हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक दो सूची जारी की हैं, जिसमें कुल 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बीती रात को आई दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने कई ऐसे नामों को प्रत्याशी बनाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में बात करेंगे तोशाम सीट के बारे में। पार्टी ने ऐसे अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। तोशाम विधानसभा सीट वैसे तो हर चुनाव में हॉट सीट होती है, लेकिन इस बार ये हॉटेस्ट सीट बन गई है। यहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और उनकी पोती श्रुति चौधरी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है और अनिरुद्ध का मुकाबला अपनी ही चचेरी बहन और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से है, जो BJP की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तोशाम विधानसभा सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से बंसीलाल का परिवार साल 1967 से अब तक 14 बार चुनावी मैदान में उतरा है और 12 बार जीत दर्ज की है। चौधरी बंसीलाल ने कुल 7 बार यहाँ से चुनाव लड़ा था और 6 बार जीत हासिल की थी। यहीं से चुनाव जीतकर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। बंसीलाल के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने कुल 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ा और 3 बार जीत दर्ज की। लेकिन साल 2005 में सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। इसके बाद लगातार इस सीट पर किरण चौधरी का ही कब्जा रहा, लेकिन इस बार यहाँ स्थिति बदल गई है, क्योंकि किरण चौधरी BJP में चली गई हैं और BJP ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। लिहाजा उनकी जगह उनकी बेटी श्रुति को BJP ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते और श्रुति के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दी है। ऐसे में तोशाम विधानसभा पर बंसीलाल बनाम बंसीलाल परिवार का ही मुकाबला हो गया है। अनिरुद्ध चौधरी के बारे में आपको बताएं तो वे रणबीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं। रणबीर सिंह बंसीलाल के बड़े बेटे हैं। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में रणबीर महेंद्र ने बाडड़ा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 48 साल के अनिरुद्ध चौधरी अब उनके बेटे हैं, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वहीं श्रुति चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र चौधरी की बेटी हैं। श्रुति चौधरी को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है। साल 2009 में कांग्रेस से वो लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी थी, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा 2024 में कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी थी और इसके बाद वे अपनी मां किरण चौधरी के साथ BJP में चली गईं। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब इस सीट पर बंसीलाल बनाम बंसीलाल परिवार में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बंसीलाल परिवार आमने सामने आया था। इस दौरान बंसीलाल के दोनों बेटे सुरेंद्र सिंह और रणवीर सिंह महेंद्र ने एक दूसरे को टक्कर दी थी। रणवीर सिंह महेंद्र ने कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था, जबकि सुरेंद्र सिंह ने उस समय अपने पिता की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और सुरेंद्र सिंह ने इस सीट पर जीत भी दर्ज की। आखिरी चुनाव की बात करें तो किरण चौधरी ने BJP के शशि रंजन परमार को हराया था। उस चुनाव में किरण ने 72,699 वोट हासिल किए थे, जबकि शशि रंजन परमार को 54,640 वोट मिले थे। लेकिन इस बार BJP से टिकट न मिलने के बाद शशि रंजन परमार भी बागी हो गए हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में तोशाम सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। बहरहाल, किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर BJP में आने से सीट पर समीकरण बदल गए हैं और खुद राज्यसभा सांसद बन चुकी किरण चौधरी के सामने बेटी श्रुति चौधरी को जिताने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए किरण चौधरी विपक्ष में थी। ऐसे में बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं करा पाई, ऐसा माना जा रहा है। और अब BJP में आने के बाद उन्हें सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से भी मुकाबला करना है। लिहाजा कहा जा रहा है कि किरण अब दोनों तरफ से घिर चुकी है, लेकिन विकास कितना बड़ा मुद्दा होगा ये परिणाम बताएंगे। ऐसे में श्रुति चौधरी के चुनाव में मां किरण चौधरी की साख दांव पर है। वहीं दूसरी ओर भी अनिरुद्ध चौधरी लोगों से बंसीलाल के पोते के तौर पर ही वोट मांग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चुनाव तो लड़ा नहीं है। ऐसे में उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जैसा मुद्दा भी अनिरुद्ध के सामने नहीं है। लिहाजा BJP ने श्रुति चौधरी और कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को तोशाम से उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि तोशाम की फैमिली फाइट में किसे जीत मिलती है।
आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।